तो ये जो देख पा रहे हो ना आप, ये है चाइना। तो हम चाइना के ना एकदम नजदीक है। अरे 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 हेवी हेवी यार, बाहुबली। चलो 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 बढ़ते हैं फटाफट, हमें किबी तो पहुंचने हैं। ये कितना करके 20 ना? और इस वुडन ब्रिज से जैसे गाड़ी गुजर के जाती है ना भाई, ब्रिज हिल जाने लगता है। कमाई तो हम लोगों को कुछ भी नहीं है, हम लोग सुअर बिक्री करता है, मुर्गी बिक्री करता है और लेबर काम करता है। ईस्टर्न मोस्ट बेकरी ऑफ इंडिया, हाँ 2022। मॉर्निंग, तो कैसे याद हूँ चाहने वाला, फिर से स्वागत है वीडियो में। और लास्ट वीडियो में आपने देख लिया टोंग ट्रैक गए थे हम, हमने अच्छे अच्छे व्यूज दिखाए। और इस ब्लॉग में आप देखोगे काहो विलेज, काहो के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे नज़ारे हैं जो हमें रास्ते में दिख सकते हैं, उन सारे नज़ारों को कैप्चर करते हुए आपको लेके जाएंगे। और ऐसा रोड दिखाएंगे जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जहाँ से ना आप म्यांमार बॉर्डर भी जा सकते हो। और यहाँ से ना एक पड़ोस का घर दिखा देता हूँ मैं, देखो पूरा काठ का बना हुआ है, पाइन ट्री से बने हुए घर। यहाँ के होमस्टे के ओनर ने ना ऐसे फूल की थोड़ी सी गार्डनिंग करी है। और यहाँ देख लो इनके ना बैल्कनी में प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं जो हैंग करके रखा है इन्होंने। और ये फ्लैग यार, जब भी इन फ्लैग्स को देखता हूँ ना मुझे टवांग की खूब याद आती है यार। तो कुछ ऐसा सीन है यहाँ का। और गाड़ी के अंदर ना दो बच्चे खेल रहे हैं यार। हेलो, क्या कर रहा है? इन बच्चों को हमने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जरूर से चेकआउट करो, बड़े ही इंटरेस्टिंग बच्चे ये देखो भाग के अंदर। दीदी चाय बना दीजिए। तो भी चाय पियेंगे लास्ट एंड निकलेंगे यहाँ से। तो देखो भाई चढ़ाई कल यहीं से उतरे थे और आज चढ़ रहे हैं और पेट्रोल ऑलमोस्ट फुल ही है यार। तो आज अपना सफर जो है ना काहो तक का है, काहो लगाने की सोच रहे हैं, लेट्स सी गाइस क्या होता है। बट काहो पहुंचने से पहले बहुत सारे प्लेसेस हैं जहां में नज़ारे कैप्चर करने हैं, फोटोज लेने हैं, बहुत सारा काम करना है भाई। ऐसे एम आई काहो नहीं चल देंगे, सब कुछ दिखाना है। और अपना ट्रैक पॉइंट वो देखो, ऊपर देख रहे हो ना एकदम टॉप, वो जो पहाड़ी देख रहे हो ना बस वहीं पे है। वैसे हम रुके थे सोपकोंग में और डोंग विलेज एक्चुअल में ना ये है, यहाँ जो नीचे आपको घर दिखेंगे ना वो है डोंग विलेज। ये जो घर वगैरह देख रहे हो ना ये है डोंग विलेज का नज़ारा। और जहाँ हम रुके थे बस सोपकोंग कुछ ही मतलब 100 मीटर के डिस्टेंस में ना दूसरा गाँव है, उस वाले घर पर रुके थे। एंड दिस इज द डोंग विलेज। ये देखो भाई कुछ ही घर हैं, ज़्यादा नहीं है। और 2011 के सेंसस में तो सिर्फ भाई 4 ही घर थे जहाँ सिर्फ 15 लोग रहते थे। और डोंग वैली का जो ट्रैकिंग पॉइंट है, फेमस ट्रैकिंग पॉइंट जहाँ अक्सर लोग बाहर बाहर से भी आते हैं, आज तो भाई गोवा से भी आए थे, वो यहाँ से जाते हैं। देख लो यहीं से आपको चढ़ के बाप रे बाप बहुत ऊपर तक जाना है भाई। और लोग भी कितने अच्छे हैं, आगे बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं। मतलब आपको ना कुछ भी प्रॉब्लम हो ना इनसे मदद मांगिए, आपको मदद 110% मिलना ही मिलना है। और इवन अगर आप ऐसे नॉर्मली भी पैदल चल रहे हो ना तो खुद खबर पूछते हैं आपके, हेलो सर कैसे हो ऐसे बोल करके। तो अभी हम आ चुके हैं म्यांमार वाले रोड में और यहाँ से आगे से ना मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये रोड बन रहा है अभी, जैसे बन के रेडी हो जाएगा ना फिर मज़ा आएगा भाई यहाँ भी राइड करने में। तो रिवर आई गेस यहाँ से दिख जाए, एक शॉप दिख रहा है, चलो पूछते हैं इनसे क्या बेच रही हैं। ये यहाँ का लोकल है ना गुआवा? भैया गूगल पे भी चलता है? कब से चलने लगा ये? ऐसा ना, ये कितना करके 20 ना? लीजिए दो दे दीजिए। और कुछ पीने के लिए है क्या, पानी वानी, कोल्ड ड्रिंक है? दीदी माजा दे दीजिए। आप भी मेयो ट्राइब से ही है? लामा? वो अच्छा लामा ना, फिर तो आपको नेपाली पता होता होगा, नेपाली जानू उन नहीं? लामा लोग नेपाली, वो वालोंग में एक दुकान में रुका था तो वहाँ में एक लामा आंटी का शॉप था, वो नेपाली जानता है मतलब। तो मैंने 20 के 2 टोप ले लिए और बता दूँ रोइंग में ना 200 रुपये किलो है। तो दिखा रहा हूँ यहाँ से भाई शॉट, एक बार इस क्लीन प्यारे से रिवर को देखो यार, पूरा मिंट ग्रीन यार, इतना प्यारा लग रहा है ना। मेरा मन कर रहा है कि भाई मैं जा करके नहा लूं यार किनारे में, एक बार देखो आप लोग यार।
हो भाई, एक नंबर भाई, एक नंबर। इसी रिवर को ना दिखाने के लिए आया था, क्योंकि मेरे को ये रिवर ना नज़दीक से देखना था, बहुत ही नज़दीक से, मतलब जितनी नज़दीक से हो ना, बहुत प्यारी लग रही है यार, सच में यार बहुत ज़्यादा सुंदर रिवर है। तो चलो यार अभी चलते हैं, और इस शॉप से मैंने गुआवा ले लिया, खाने के काम आ जाएगा, पैकेट की चीज़ें खाने से बेहतर है ना, आप फ्रूट्स खाओ, ऊपर से पहाड़ी फ्रूट। And look at this view guys, लोहित रिवर कितने बगल से बह के गई है भाई, कितने बगल से, और कहो जाते हुए तो और भी नज़दीक से हम देख पाएंगे लोहित रिवर को, एकदम ही बगल से निकली है ये, देखो कितनी सही लग रही है यार। तो अभी हम कहो जाने वाले रास्ते में एंटर करने वाले हैं, ज़्यादा नहीं, ओनली 1.5 किलोमीटर के बाद ना हम एंटर कर जाएंगे। और ये वाटरफॉल देखो, जिसको मुझे दिखाना था आपको, मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं चला ले चला मुझे रास्ता। थार भाई, बहुत टाइम बाद थार दिखी यार, काफी टाइम बाद, अभी तक ना थार दिखी नहीं थी हमें पूरे रीजन में ना, अभी पहली बार मैं थार देख रहा हूँ भैया। चल दिए काहो वाले रोड में, मजे लेते हैं, चलो जी। ओ भाई यहाँ रोड तो बहुत सही है यार, मजा आ रहा है यार चला करके। अभी जिस रोड से हम आए थे ना, वहाँ बहुत बम्प था यार, बम्पी रोड, ये है पंपी रोड, मतलब मस्त रोड है यार। अभी एक मस्त जगह पर रुक करके ना, ये अमरूद जो मैंने खरीदे थे ना शॉप से, वो खाने। फ्रेश एयर, एवरीथिंग इज फ्रेश भाई। और लोहित रिवर, जैसे जैसे काहो की तरफ बढ़ रहे ना, लोहित रिवर बहुत नज़दीक आते जा रहा है हमारे, बहुत मीन्स बहुत ही ज़्यादा नज़दीक। ओके जी, वाटरफॉल दिखा हमें, ये देखिए जी, छोटू मोटू गोलू मोलू सा वाटरफॉल। वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर चाहत के हाँ। ओ भाई लोहित रिवर देखो यार, कितने नजदीक में है, और एक रोड देखो यार, एकदम ना पहाड़ एकदम छाते की तरह बनी हुई है यार, अम्ब्रेला जैसे पहाड़ बने हुए हैं भाई। भाई ये जो नजारा है ना, ये नज़ारा ना अनिनी से बहुत हद तक ना मेल खाता है यार, मतलब अनिनी का जो रोड है ना ब्रूनी का, उसमें बहुत सारे नज़ारे ना ऐसे टाइप के हैं। बट ब्रूनी की सबसे अच्छी बात ये है कि ब्रूनी के ना दोनों साइड एकदम नज़दीक नज़दीक में पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पत्थर वाले पहाड़ हैं, और वहाँ ना भाई वाटरफॉल्स हैं बड़े बड़े प्यारे प्यारे सॉलिड सॉलिड टाइप के। खैर बातें शादें तो होती रहेंगी, हम यहाँ रुकते हैं और खाना खाते हैं यार, चलो। कैसे बताओ, मैं वहाँ चखे आया था ऑलरेडी, टेस्टी है ना, कहाँ से लेके आए? ये है डोंग विलेज का लोकल अमरूद, पहाड़ी अमरूद भाई, 50 रुपए में इतने सारे अमरूद, 1.5 किलो से ऊपर है। अगर रोइंग में यही अमरूद हम खरीदते ना तो 300 रुपए के हो जाते। चलो तो निकलते हैं यहाँ से, अब बढ़ते हैं काहो की तरफ। और आज हमारे पास ना पूरा दिन भर का वक्त है, हमने सोचा था कि काहो में स्टे करेंगे, बट नहीं यार, काहो जाएंगे, थोड़ा बहुत ना काहो को एक्सप्लोर करेंगे, एंड देन किवी तो जाएंगे इसी व्लॉग में ना। ओके गाइस, हम पहुंच चुके हैं मेशाई गांव, यहां से एंट्री होती है मेशाई गांव की, और ये देखो वॉलीबॉल पी ग्राउंड, काहो विलेज आगे है, विलेज एरिया ड्राइव स्लो, मतलब कि ये है मेशाई गांव, और वो दूर देखो लोग धान की खेती कर रहे हैं, धान काट रहे हैं इनफैक्ट, बस चंद घर ही है यहाँ पर, ज्यादा घर है नहीं, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है यार मेशाई गांव भी। अभी ना ड्रोन होता तो कसम से भाई ये शॉट ले लेता गांव का, और गांव भी ना बहुत ही प्यारे जगह पर बना है, और आगे के पहाड़े देखो यार, मुझे ना पूरा अनिनी का वाइब आ रहा है यार। कल्चरल हॉल, तो ये है मेशाई का कल्चरल हॉल, तो यहाँ शॉप वगैरह है जो बंद है भाई, बहुत सुंदर जगह यार। अरे 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 अरे, और ये सुमो वाले भी फिर हॉर्न दबाते नहीं है, फट से आ जाते हैं और हम शॉक्ड हो जाते हैं, मैंने तो फिर भी हॉर्न दबाया था, सुमो वाले की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, अजीब सुमो वाला यार। काहो रोड थोड़ा खतरनाक है यहाँ गाइस, यहाँ से थोड़ा डेंजरस हो जाता है काहो रोड, पत्थरों के पहाड़ है ऊपर से यार, रोड भी नैरो है और गाड़ियाँ बिना हॉर्न दबाए हुए आ जाती हैं। और आगे ना हमें एक हैंगिंग ब्रिज भी दिख रही है, शायद विलेज के लोगों के लिए बनाया गया होगा, उस पार से इस पार या फिर इस पार से उस पार जाने के लिए, और ब्रिज में भी ना फ्लैग्स लगाए हुए हैं यार, कितना सही लग रहा है यार। वही पानी में
भाई मजा आया। ओ भाई ब्लास्टिंग, ओ ब्लास्टिंग चल रहा है। ओ शिट भाई ब्लास्ट चल रहा है यार पहाड़ों में। सुन पा रहे हो नहीं पा रहे हो आप लोग? ओ भाई पहाड़ फोड़ रहे हैं, मतलब तगड़ी ब्लास्ट चल रही है। ये सुना ना आपने? ठीक इस जगह पर कंटिन्यूअसली फोड़ रहे हैं। कम से कम भी अभी तक ना 8 से 10 बम फोड़ चुके हैं। ओ भाई फोड़ ही रहे हैं यार। हाँ कंटिन्यूअस फोड़ रहे हैं, देखो ना। तो ये जो नज़ारा था ना इसको मिस करने को मन नहीं कर रहा था, इसलिए हमने डिसाइड किया यहाँ पर रुक जाए। कि भी तो रोड है क्या वो? वही है। ओके चलो तो निकलते हैं यहाँ से। अब काहो विलेज यहाँ से खैर ज्यादा दूर है नहीं, और काहो विलेज को ना इंडिया का फर्स्ट विलेज भी कहते हैं। ये जितने भी विलेजेस वगैरह देख रहे हो ना, या फिर ये जो पूरा रीजन है ना, ये ईस्टर्न मोस्ट रीजन है। तभी यहाँ सूरज देव बहुत जल्दी उगते भी हैं और बहुत जल्दी ढल भी जाते हैं। तो ये रहा काहो फर्स्ट विलेज। ओके तो हम पहुंच चुके काहो विलेज, और काहो विलेज ना इंडिया का फर्स्ट ईस्टर्न मोस्ट मॉडल विलेज है, वहाँ आगे भी लिखा गया है। और ये यहाँ का गोम्पा है। ये पहाड़ देखो यार, सबसे इंटरेस्टिंग पीक विंटर के सीज़न में ना जब स्नोफॉल होती होगी तो ये पहाड़ सारे सफ़ेद होते होंगे। और ये है अपना काहो विलेज। तो यहाँ कुछ ही घर है, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 15 से 20 घर होंगे। और वो जो दिखाई दे रहा ना वो सब चाइना है। हाँ और वो जो वो ना अंदर जाने नहीं देते। ओके ठीक है, तो ये जो देख पा रहे हो ना आप, ये है चाइना। तो हम चाइना के ना एकदम नज़दीक है। तो देखो काहो विलेज के दो लोग भी दिख रहे हैं हमें, ये देखो। तो भाई गर्मी तो बहुत है। खाना खाना है ना? हाँ ठीक है, होम स्टे में जाके खाना का ऑर्डर करते, खाना खाते आराम से काहो विलेज में रुक करके। चलो तो बढ़ते हैं आगे और होम स्टे में जाके पूछते हैं भाई खाना पीना कुछ सुविधा है नहीं है, है ना? ये ना होम स्टे, खाने का पूछते हैं पहले ना। भाई इतना मीठा, अमरूद भी मीठे, तरबूज भी मीठा। आपको एक और चीज दिखा रहा हूँ, मक्की देखो भाई। आपने कभी लाल मक्की देखी है? यहाँ देखो लाल मक्की सूख रही है। ये सारे जो सब्जियां हैं फ्रूट्स हैं ना, ये इनके अपने ही खेत के। वाह अभी जस्ट लाया ना खेत से तोड़ के। प्योर ऑर्गेनिक बैगन, या कोई मतलब वो दवाई ववाई नहीं डालता ना सब्जी में? दवाई भी नहीं, कैसा दवाई भी हमको पता नहीं है। तो आंटी ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपना खाना रेडी कर दिया है। देखो दाल चावल बैंगन का सब्जी, अपना ही बगान का है ना जी। और अंडा। चलो तो फटाफट खाते, लेट नहीं करते खाना पीना के लिए, लेट नहीं करते। और ये इनका ना डाइनिंग हॉल है, देख लो बहुत ही प्यारा। और ये इनका किचन है, वो इतना साफ सुथरा क्लीन यार। हेलो पेमा इधर देखो जी। और आंटी का ये घर पूरा पाइन ट्री से बना है ना आंटी? कितना लगा आंटी ये टोटल बनाने में? टोटल 30,000 से ज्यादा ही लगा है। 30 लाख? हाँ लाख से। बाप रे भाई, 30 लाख के घर में हम फिलहाल, और इसमें अभी भी काम होना बाकी है। मतलब 50 जैसा खर्चा हो जाएगा? हो जाएगा। मतलब कैसा चलता है यहाँ लाइफ, मतलब क्या कमाई दमाई? कमाई तो हम लोग का कुछ भी नहीं है। हम लोग सुअर बिक्री करता है, मुर्गी बिक्री करता है, और लेबर काम करता है हम लोग, वही है। गवर्नमेंट का कुछ सुविधा? अभी गवर्नमेंट तो सुविधा अभी हम घर घर में तो नहीं दिया, लेकिन गांव में थोड़ा दिया, वही है। स्कूल कुछ बनाया हुई है। पहले से रास्ता वास्ता तो बढ़िया हो गया। अच्छा मेडिकल का क्या हाल है? मेडिकल अभी थोड़ा ठीक है, अभी 5-6 महीना 7 महीना हो गया अभी, और नर्स भी है अभी। ओ पोमेग्रेनेट भाई फ्रूट दिख गया एक, ये देखो ये तो पका हुआ है आई थिंक। भाई क्या माहौल है यार यहाँ, पूरा सब्जी खेती, वाह जी वाह। और यहाँ देखो यार मुर्गी के अंडे, लोकल मुर्गी का अंडा ना जी, जी। तो यहाँ से ना होम स्टे ऐसा दिखता है, देखो ये अंडी का होम स्टे है। और यहाँ देखो अंकल बैठे हैं,
आंटी के हस्बैंड। और कद्दू देखो भाई कितने सारे इन्होंने तोड़ के रखे हैं। और ये बैंगन अभी कुछ देर पहले जो हमने सब्जी खाया था ना, और आंटी ने इसी बगान से ना तोड़ के बनाया था। और यहाँ भी ना कुछ सब्जियां लगी हुई हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं, यहाँ भी खेती चल रही सब्जियां हैं। और वो संतोष भाई व्लॉगिंग करता हुआ, मुझे पता नहीं था कि भाई यहाँ ना इस लेवल की खेती होती होगी। यहाँ जो सब्जियां उग रही हैं या फिर जो लाइक फ्रूट्स उग रहे हैं ना, वो इतने टेस्टी, इतने ऑर्गेनिक, इतने अच्छे हैं ना यार, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी। आंटी ये क्या चीज है? ये टमाटर है, ये भी टमाटर। टमाटर है, अरे बाप रे, इसे भी खा सकता है। इसको निकल के लाल होता है, इसको आग में डाल के ना, हाँ हाँ, गर्म होने का उसको फक हो जाएगा, निकल जाता है उसका चमड़ा, उसके बाद चटनी बनाना है, बहुत टेस्टी होता है ये। हाँ। ये टमाटर ही है? टमाटर है, ये लोकल टमाटर है। भाई साहब ऐसा टमाटर मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा था यार। ये अंकल ना जी इतना काम कर रहे हैं भाई, चार चार काट के कुंदे लेके आ रहे यार, हेवी हेवी यार। बाहुबली हम लोग फेल है आपके सामने सर, 59 हो गया। हाँ देखो हम लोग अपना लोकल बिना दवा डाल के हर चीज खाता है ना लोकल, और हम लोग बॉइलिंग ज्यादा खाता है, मसाला कम खाता है, इसलिए हेल्दी है। बाहर चलो मेरे साथ में। नहीं 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 होगा। जब से इंडिया और चाइना मतलब टुकड़ा हो गया ऐसे, उसके बाद चाइना का भी मतलब प्रॉब्लम क्या है? वहाँ अभी तक नहीं किया हम लोग को, उसके बाद से कभी भी नहीं किया हम लोग, मतलब यहाँ के लोगों को तो कुछ भी नहीं किया ना, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। अच्छा आप लोगों का अपना आदमी लोग उधर है? है तो पहले तो हम टीबी को टेक देता था ना, जिला भी ये खेत जिला कर रहा है, आधा परसेंट उनको देना पड़ेगा, वो टैक्स देता था, टैक्स। हाँ टैक्स टीबी को देना है। जब ब्रिटिश समय से था ना, तब इंडिया ले लिया, फिर बाद में फिर 62 लड़ाई का बाद तब हम लोग का यहाँ में म्योर कम हो गया, ज्यादा म्योर ऊपर हो गया, ऊपर हो गया, मिशमी ज्यादा यहाँ हो गया, वहाँ कम हो गया। अच्छा मिशमी अभी भी है वहाँ पर? वो लोग ये जो बनाए ये एक हफ्ता का अंदर बनाया ना, बाप रे इतना फास्ट। फिर चला गया वो, अभी ये एक बड़ा दिखाई दे रहा है ना, हाँ हाँ जैसा, हाँ हाँ, उसका सीधा चला गया वो कोना में, इतना जल्दी जल्दी काम कर रहा है ना। अभी ऊपर में मैदान में जा रहा है, फिर अंदर जा रहा है। हाथ मिले अंकल, थैंक यू सो मच, आप अपना टाइम दिया, अच्छा लगा। फिर जब आएगा ना तो जरूर आपसे मिलेगा। आंटी बाय बाय, चेक मिला लेते एक। इधर देखो पेमा, पेमा इधर देखो चेक। अरे ये खाने का सामान दे दिया। बाय 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 बाय। चलो तो होम स्टे से ना खाना खा के निकल गए, अब हल्का ना आगे जाके आते हैं, जाके आते देखते हैं कहाँ तक जाने देते हैं। सही है ना, विलेज वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर है, छोटे छोटे लोगों के क्यूट क्यूट से घर हैं, और लोग भी बहुत अच्छे हैं, मतलब फ्रेंडली है यार, बात करते बहुत आराम से आपके साथ ना। अच्छा यहाँ एक और होम स्टे, खेती होम स्टे। अच्छा वो आंटी बता रही थी उनकी बेटी का होम स्टे बोल करके, तो यही होता होगा खेती होम स्टे। अच्छा एक और होम स्टे देख लो, होम स्टे की कमी नहीं है, दो चार होम स्टे तो है यार। और अभी ना ब्रिज आने वाला है, एंड मुझे पता है ब्रिज से आगे जाने नहीं देते क्योंकि ब्रिज के आगे ना आर्मी जवान है मारे, तो यही वो ब्रिज है, लास्ट ब्रिज। इसके आगे वो बैरिकेड लगा हुआ है, सिर्फ आर्मी के ट्रक्स जाते हैं और लोकल्स जाते हैं, इसके आगे आपकी एंट्री नहीं है। मतलब बस गाइस हम पहुंच गए कुंदन ब्रिज, ये आगे दिख रहा है आपको कुंदन ब्रिज। वाह जी वाह वाह वाह, बहुत सही बहुत सही, बहुत खूब यार इनफैक्ट। चलो यहाँ बाइक रखते हैं और आपको फोन के कैमरे से दिखाते हैं। वेल तो यही है कुंदन ब्रिज, इसके नीचे से लोहित रिवर बहकर जा रही है। पता नहीं आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है नहीं दे रही, पता नहीं, नदी की ना बहुत तेज आवाज आ रही है। तो ये है अपना लोहित रिवर भाई, भयंकर रिवर है यार, और ब्रिज भी काफी लंबा है, यहाँ तक तो काठ का बना है बट वहाँ आगे से ना लोहे का बना हुआ है, और इस वुडन ब्रिज से जैसे गाड़ी गुजर के जाती है ना भाई, ब्रिज हिल जाने लगता है। गाइस यहाँ देखो ब्रिज कैसे हिल रही है, देख रहे हो ना, क्योंकि वहाँ आगे से ना ट्रक आ रही है। बाप रे बाप। चलो जी चलते हैं कुंदन ब्रिज के ऊपर से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर।
ओके, तो वो टर्निंग पॉइंट आ गया कि भी तो जाने वाला ना ओल्ड ब्रिज ये है, और यहाँ लिखा भी है, अब आराम से बोर्ड वगैरह पढ़ के ना जा सकते हो। अरे भाई रास्ता तो बंद है, 3:20 सुबह 8 से 12:15 तक बंद होता है, फिर 12:15 से ना 1:30 बजे तक ना ओपन होता है, मतलब ये लंच टाइम होता होगा शायद, एंड ब्लॉक होता है फिर 1:15 से 5 बजे तक। चलो अब आ ही गए तो चले ही जाते हैं। तो देखो अभी हम ब्लॉक में खड़े थे और यहाँ ना इन दीदी के पास ना एक कुत्ता दिख गया। गोंगचोंग। तो निकलते हैं किबीतो की तरफ, और भाई काम चल रही है हर तरफ है ना, और कटिंग चल रही है ना भाई, रास्ता तो खत्म ही मिलना है। बाप रे डंपर भी दबा के निकल रहा है, वो तेरी। भाई धूल उड़ा रही है यार, खत्म 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 खत्म। तो ये सारे हैं कटिंग जोन, यहाँ हो रहे हैं कटिंग, तभी रास्ता पूरा ब्लॉक था। ओ गाइस कहाँ हो जाते हुए जो विलेज हमें दिखा था ना, ये देखो भैया यहाँ से कितना सही लग रहा है यार। चलो 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 बढ़ते हैं फटाफट, हमें किबीतो पहुँचने हैं। तो यहाँ भी कटिंग चल रही है अभी तक, कितने 1-2 प्लेस तो हमें मिल गए और 2 शायद ऊपर होते होंगे। वैसे उस ब्रिज से ना किबीतो की डिस्टेंस मैक्सिमम 12 किलोमीटर होती होगी मैक्स टू मैक्स, तो 12 किलोमीटर कवर करने में हमें आधा घंटा तो लग जाएगा पूरा, फिर भी देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। और वो जो ब्रिज दिख रहा है ना वो काहो जाते हुए हमें मिला था, मतलब क्या है ना काहो और किबीतो में ना एक बड़ा सा पहाड़ बीच में आ जाता है, वो पहाड़ ना होता ना तो 2 गांव को आप आराम से आपस में देख सकते थे। ओके वेलकम टू किबीतो विलेज। चलो जी पहुंच गए किबीतो विलेज, यही है भैया किबीतो विलेज, और ये बेकरी है यार किबीतो बेकरी। चलो आते हुए देखते हैं, पहले घूम लेना गांव आराम से, उसके बाद देखते हैं बाकी और क्या कर सकते हैं। तो ये सारे घर देख सकते हो, कहाँ से काफी डिफरेंट है यार ये किबीतो। इसके आगे एंट्री नहीं है बॉस, यही एंड है, यहीं से गाँव खत्म। सर गाँव खत्म ना, यहाँ से गाँव खत्म ना। तो ये भाई गांव पूरा देखने का अच्छा था भाई, साइड साइड से देख लो, बहुत ही लिमिटेड घर होते होंगे यहाँ पे ना, पता नहीं यार यहाँ तो ढेर सारे ना आर्मी वाले दिख रहे हैं मुझे तो। तो ये जी किबीतो बेकरी, KB ईस्टर्न मोस्ट बेकरी ऑफ इंडिया, हाँ 2022। ओके तो यहाँ तक आने का जो अपना प्लान था वो सक्सेसफुल हुआ, किबीतो बेकरी यहाँ चाय वाय पी ली हमने। तो निकलते हैं ना अभी किबीतो से, अभी हमें 1-1.5 घंटे का ना अच्छा खासा सफ़र तय करना है। वैसे किबीतो में ना बहुत सारे जगह पर ना आर्मी के कैंप्स वगैरह हैं, तो ये उतना प्रैक्टिकली ना अच्छा नहीं लगता देखने में, विलेज कहाँ कैसा कुछ पता ही नहीं चलता, मतलब ना मैक्सिमम जगह पर ना आर्मी के कैंप्स वगैरह हैं। तो ये है जनरल बिपिन रावत द्वार, दिस इज़ आई लव किबीतो। तो बस अब सीधा आपसे वालोंग जाके मिलते हैं। तो किबीतो से अभी जस्ट वालोंग पहुंचे, अभी जस्ट मीन्स आधा घंटा पहले पहुंच गए थे ना, तो यहाँ कुछ देर तक हमने रेस्ट किया और खाना ऑर्डर किया, बाकी ये अपना खाना आ चुका है, खाना खाते और सीधा आपसे मिलेंगे डोंग रिजॉर्ट में ना, आज नहाना है हॉट स्प्रिंग में, क्या बोलते हो? चलो अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड है, फटाफट खाना खाते हैं, उसके बाद सीधा आपसे ना डोंग रिजॉर्ट में मिल रहे हैं। तो आज फिर से हम डोंग रिजॉर्ट में आए और यहाँ टेंट पिच किया, और आज ना टूरिस्ट भी नहीं है ना संतोष, कोई नहीं है, 8:54 ना हाँ। और इस टाइम को हम हॉट स्प्रिंग लेने जा रहे हैं, चलो चलो चलते हैं भाई, आज लेते हैं हॉट स्प्रिंग। चलो तो नीचे उतरते पानी में, भाई भाई फिसलन है, भाई गर्म है रे, गर्म है भाई, ओ भाई ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है रे। ओके तो फाइनली अभी हम टेंट के अंदर हैं, देख सकते हो जब से हम डोंग आए ना तब से हमने सिर्फ टेंट ही पिच किए, Day 1 हमने यहीं टेंट पिच किया था, Day 2 कल डोंग में पिच किया था, डोंग विलेज में, सुपकोंग सॉरी डोंग डोंग से आगे
एक विलेज आता है सुपकोंग वहाँ, और डे थ्री वापस यहीं पर टेंट पिच कर रहे हैं। बॉडी अपनी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी है, ज़्यादा बातें शातें नहीं करते हैं, बस वीडियो को एंड करने का वक्त आ गया। तो बताना आज का ये जो राइड था कैसा था, आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, काहो और किबीतो में से कौन सा विलेज ज़्यादा अच्छा था, और किबीतो का जो फेमस कैफ़े था वो आपको कैसा लगा, और जिस होम स्टे में हम गए थे ना काहो वाले, उस होम स्टे में ना नॉमेडिक इंडियन भी आए थे, उस होम स्टे के सीन आपको कैसे लगे, उस होम स्टे के जो ऑनर थे वो कैसे लगे, और जो एंटायर चाइना देखने का जो नजरिया था वो आपका कैसा था, इन सारे बातों को ना आप कमेंट करके बताना, और कमेंट ना भी कर पाओ ना तो एटलीस्ट एक इमोजी ही सही ज़रूर से दे देना, और वीडियो को लाइक करना। बाकी यार बस बहुत ज़्यादा टायर्ड है, सोते हैं, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने चारों ओर साफ सफाई रखें और अपना ख्याल ज़रूर रखना। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट। आग देख रहे हो ना लाल लाल, ये राइड करने की वजह से ना धूल जा रही है, हवा लग रही है भाई, आग देख रहे हो ना। अभी अगर हम हॉट स्प्रिंग ना जाते ना कसम बैंड बज जाती ना, कि बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गया यार, आँखों की हालत ख़राब है।